जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सशस्त्र सीमा बल यानी के एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 543 पदों का फॉर्म फिलअप करना है, जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 543 पद पर ये वैकेंसी निकाली है, जिसके फॉर्म आप लोग 18 जून 2023 तक भर सकते हैं। कौन से पोस्ट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। सेम जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से दी है, आप इस वीडियो को वॉच करके डिटेल्ड इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप यहां पर अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और भी डिटेल में जानकारी यहां से ले सकते हैं। एंड गाइज, अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज पोस्ट अप्लाइंग फॉर्म में आपको जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना है वही ट्रेड आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहां पर कांस्टेबल वाटर कैरियर है मेल, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। इस पर सिलेक्ट करने के बाद में जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो 10वीं है। साथ ही आपको बोला है कि आपके पास 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट। तो बेसिकली जो भी ट्रेड आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूं एसके बुक्स की एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई बेस्ट बुक सजेस्ट की जाए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए, तो आपकी यहां पर खोज खत्म हो जाती है, क्योंकि एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो बेसिकली इस बुक में क्या मिलेगा वो भी आप जान लीजिए। इसमें आपको यहां पर प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, विगत वर्षों के प्रश्नों का समावेश मिलेगा, सिलेबस का संपूर्ण कवरेज इस बुक के अंदर दिया है। आप यहां पर इस बुक के साथ में एसके बुक्स का जो एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन है इसका अभ्यास पेपर सेट भी परचेज कर सकते हैं। 20 पेपर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे एंड ये बुक आप इंग्लिश और हिंदी जिस भी लैंग्वेज में परचेज करना चाहे कर सकते हैं। तो गाइस जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक को और प्रैक्टिस सेट को परचेज करने का लिंक दिया है, परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। जाइए परचेज कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइस यहां पर नीचे आता है आपका नेम। अब आपको आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। मिडिल नेम है तो डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। यहां पर अब आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर के है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब यहां पर फिर से आते पॉइंट पर, और जो आपका फादर नेम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर देना है। आपकी मदर्स का नेम आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपका ईयर, फिर यहां से मंथ, और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर यहां से आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर नेशनलिटी में आप इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका इनमें से जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें जनरल ओबीसी कोई फीस पे करनी है, एससी एसटी एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। इसके बाद गाइज यहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या आप यहां पर ग्रहवालीज, कुमाऊनीज, गोरखाज इन जाति से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप 1980 से लेकर के 1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप 1984 या फिर 2002 के चिल्ड्रन या डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। क्या आप वो पर्सन है जो कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहा है और उसको जॉब करते हुए 3 साल हो चुके हैं, तो आप यहां पर इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करें उस पर। अगर हाँ तो आप इस वाले में यस करें, या फिर अगर आपके पास 1 ईयर का कोर्स है यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स है उसी ट्रेड में जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहां पर इस वाले के ऊपर यस करेंगे, जो कि यहां पर आप ये देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर आता है सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप। तो आपको यहां पर कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर फिर आपको यहां पर देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के अंदर आपको आपके बॉडी के उस निशान के बारे में लिखना है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर है, और कहीं पर भी अगर यह है
बट ये परमानेंट होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी निशान नहीं है परमानेंट, तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है। अब जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो देने का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि टेंथ, तो टेंथ आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद में आपका टेंथ का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डालिएगा। अगर आपके मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट मार्कशीट पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप एनए यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ इश्यू यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। पहले ईयर यहाँ से, फिर आपका मंथ और यहाँ से डे। सब्जेक्ट में आप यहाँ पर साइंस एज मैन सब्जेक्ट या फिर एनी सब्जेक्ट वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए साइंस एज मैन सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया। अब आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर आपके नंबर CGPA में थे तो आप यहाँ पर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। अब आती है बारहवीं की जानकारी। अगर आपने बारहवीं भी की है तो आप यहाँ पर सेम वे में आपके बारहवीं की जानकारी देंगे कि आपने किस बोर्ड के द्वारा की है और किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप लिखेंगे। आपका बारहवीं का रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर देना है। कब आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सेम तरीके से सिलेक्ट कीजिए कि किस ईयर में और किस मंथ में आपने की है। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताना है कि जैसे कि PCM, PCB या फिर आर्ट्स, तो आप यहाँ पर बता दीजिएगा। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज देनी है। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज, आपके सामने एड्रेस डिटेल आती है। तो एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आप सबसे पहले विलेज टाउन के अंदर जो आपके विलेज या फिर टाउन का नाम है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिए। तहसील अगर आपकी कोई लगती है तो आप तहसील के बारे में भी आप यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद में आप यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपका नज़दीकी कौन सा है उसका नाम देंगे। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है उस स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस एक है, सेम है, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यस कर देंगे। अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, तो आप यहाँ पर इनमें सभी में नो कर दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल ऐसे है कि क्या आपके ऊपर कभी कोई केस दर्ज हुआ है या फिर कोई FIR दर्ज हुई है या फिर किसी केस में आपको दोषी पाया गया है, किसी देश केस में आपको बरी किया गया है, तो बेसिकली आप इन सभी में नो कर दीजिएगा। इसके बाद आपको पासवर्ड में डिजिट वाला पासवर्ड लगाना है और 6 अंक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही उससे कम होना चाहिए। तो जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर 6 अंकों का डाल दीजिएगा, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा, यहाँ पर टिक कीजिएगा एंड देन प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी यहाँ पर भरी है उन सभी को आप यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ चेक करते हुए आएंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लेंगे, नहीं तो आपको डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट में यहाँ पर इन दो के ऊपर टिक करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि आपको आपकी राशन आईडी मिल चुकी है, आप इसको नोट करेंगे। एंड यहाँ पर आपको फोटो साइन अपलोड करना है। फोटो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। शार्प फोकस एंड क्लियर फॉर्मेट JPG की या फिर PNG का। साइज यहाँ पर आपका 500 KB से कम रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। अब आप यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका व्हाइट पेपर पर और ब्लैक या फिर ब्लू इंक द्वारा होना चाहिए। 200 KB से कम आपके सिग्नेचर का साइज रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी साइज फाइल है आपकी साइन की वो सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड देन आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे दी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू इज प्रोविजनली रजिस्टर्ड। अब आप यहाँ पर नीचे आइए, आपको बोला है प्रिंट एक्नोलिजमेंट। आप यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो नोट कर लीजिए पहले तो, और इसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट एक्नोलिजमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो गाइज, बेसिकली आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर पहले पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा फोटो साइन अपलोड करने के बाद में, और तभी उनके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जो कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली आप फोटो साइन अपलोड करके आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग SSB कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।